पूरा मामला जनपद मैनपुरी का है। यहाँ के थाना बेवर मोहल्ला ब्रह्मनान पीपल वाली गली की रहने वाली बुजुर्ग महिला रन्नो देवी पत्नी मुंशीलाल बाथम के तीन पुत्र करू भोले और विजय। रन्नो देवी बहुत ही गरीब महिला है और यह ग्राम भूमसपुर पोस्ट परोखा की मूल निवासी है। गरीबी के कारण अपने गांव को छोड़कर पूड़ी बेलने की मजदूरी काम करने लगी और बेवर में किराए के मकान पर निवास करने लगी। इनके पास एक ही बेटा जो कि विजय साथ रहता था। दोनों लोग हलवाई का काम और पूड़ी बेलने का काम करते थे। आज दिनांक 5/10/2022 को टीचर कॉलोनी से माँ दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के साथ विजय काली नदी पर पहुंचा, जहां पर पुलिस ने रोका और नीचे नहीं जाने दिया तो विजय फरखाबाद की तरफ से कपड़े उतारकर नदी में कूद गया। देखते देखते लोगों के सामने नदी में डूब गया। जहां तक वहां पर जब तक लोग पहुंचते तब तक वह पूरी तरह डूब चुका था। पुलिस वालों ने पूरा बचाने का प्रयास भी किया मगर वहां किसी की एक न चली। विजय की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है और नदी पर भारी मात्रा में पुलिस विजय को ढूंढने में लगी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इधर बुजुर्ग रन्नो देवी बेटे की खबर सुनते ही नदी के पुल पर पहुंची, वहां पर कुछ नहीं दिखा तो घर वापस आकर रो रो कर बुरा हाल हुआ। बूढ़ी माँ का एक यही सहारा था, वह भी चला गया। अब आइए दिखाते हैं कि उसकी माँ तथा चश्मदीद लोगों ने क्या कुछ कहा, विजय के बारे में क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। मैनपुरी से अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। यहाँ पर मैं किनके साथ गया था बच्चा? मैं ना भैया बेटा मालूम होते कर गया था। अच्छा पनारी गया तो। अच्छा माँ तुम्हारे ना पेट भर दे, तुम मत जाओ मत ही। अच्छा लला काम है भैया दुआ कर लला तुझे चले गए लला लला का तो अम्मा तुम रोटी ना खाई जाएं हर लला जइयो ना कहूँ तुम घर पड़ियो ना काम करके अम्मा मेरे पक्का फिर लला जइये ना कहूँ अम्मा कहूँ ना लला ना। अरे कै बजे कितनी उम्र थी बच्चा की? बच्चा कितनी उम्र थी लला? लला मेरे 22 साल। 22 साल का? अच्छा कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 3 बच्चे थे। हाँ। तो मैं लला जो ही लला मेरे ध्यान रखते। अच्छा एक के नाम मालूम कहाँ गाओ आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुझपुर के हैं बेटा, लाल बेटा। अच्छा। परोखा। अच्छा ये बच्चा तीसरे नंबर का था? हाँ बेटा। तो ये बीच को तो वो छोटो तो लला। अच्छा तो मतलब ये कै बजे गया था आपके? लला बीरेन बेटा पाछू हमारा नाम मालूम। अच्छा हम आते नाम आते घर के। तो आपको कब पता चला है? हमें अबे नवन ने खबर कर दिया। मैंने फोन करवा फोन करा लला कपड़ा धरे लला के। हाँ वही पे कपड़े रखे हैं। हम देखा बेटा। अच्छा वो भैया कहाँ पे डूब गया? कहाँ पे अब जना पता मशीन पर ही है बिटिया ना कह दे पलट वाले ना घर ले जा तुम्हारी कोई ना कहीं मेरी बुआ घर ले जा ना घर ले जा सब पहुँच गए। क्या नाम था? विजय। विजय हाँ बाप को नाम मुंशीलाल घूमस। अच्छा आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुशीला। कहाँ रहती हो आप? हम घूमस हम ही घर किराए पर रहते हैं। कौन सी जगह? अच्छा किराए पर रहती हो? कब से रह रही हो? हमें पूरी जिंदगी निगरी लला का छूना है। अच्छा हम बेटा लग रहा है हम। अच्छा क्या काम करती हो आप? हम भाई पूरी को काम। अच्छा पूड़ी बेलने का काम करते हो? तो ये बच्चा आपके साथ रहता था? हाँ जो कलाई छोड़ी गई आज लला मेरा ना घर ना मड़ैया ना मेरे खेत फड़िया के क्यों ना बेचारा हम तुम्हारी और मजदूरी कर बेचारा मैं करते कौन था क्या नाम था? नाम था उसका। कहाँ का था? बेवर का। हाँ फिर वो कुछ लोगों ने मना करी उसे क्या नीचे मत जाओ उसने कपड़े वहाँ रख दिए फिर उधर कूद के चला गया। उसने कहा लोगों से कि हम पैर लेते हैं फिर लोगों ने हंगामा मचा दिया लोगों ने कि इसे बचाओ बचाओ फिर पुलिस वाले नीचे भाई गई फिर लोगों ने मैं भी भाग के गया इधर तो वो मतलब डूब गया ऐसे थे हाथ हला रहा था। अच्छा कै बजे की बात है ये? बात हो गया लगभग एक घंटा हो गया। एक घंटा हो गया? टाइम कितना होगा लगभग? 8 घंटा की बात है। अच्छा क्या नाम था? विजय। कितनी उम्र थी? विजय उम्र होगी कितनी उम्र? 24 साल। 24 साल। कहाँ के निवासी थे? बेवर की है। कौन सी जगह का? पीपल वाली गली। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कल्लू। तुम्हारे साथ ही आए थे वो? हाँ दुकान से आए थे मेरे साथ। यहाँ क्या करने आए थे? मूर्ति में। कौन सी मूर्ति? वो टीचर कॉलोनी मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी? किसकी मूर्ति थी? टीचर कॉलोनी जो आ रही थी उसकी साथ थी। अच्छा तो वो मूर्ति विसर्जन हो गया था? नहीं मूर्ति विसर्जन नहीं हुआ।
उससे पहले ही वो गए थे? हाँ, उससे पहले ही उधर उतर गया। उसके साथ कितने लोग गए थे? अकेला गया था। अकेले गए थे? हाँ। फिर बचाने का प्रयास किया था? नहीं, बचाने का पुलिस वाले साहब गए थे ये लोग। हाँ। लेकिन वो ये कह के गया था कि मैं पैर लेता हूँ। अच्छा, तैर लेते। फिर अभी मिला क्या? अभी नहीं मिले। नहीं मिला तो बता दे वो पुलिस। यहाँ पे जो बच्चा एक डूब गया है, लड़का डूब गया, कौन है, क्या है, कैसे डूब गया? इसके पिताजी यहाँ विजय है और ये भरता की तरह से डूबा है। नहीं, क्या बजे घटना आई है? आधा एक घंटा हो गया। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे कैसे डूबा वो? मतलब नशे में था, शराब की। अच्छा, यहाँ पुलिस वगैरह ने ढूंढा? पुलिस तुरंत ही नीचे गई, ऐसी पता चला उधर साइड दिखा, वैसी पुलिस नीचे गई, तब तक वो दिखा नहीं पा। विजय कहाँ का रहने वाला था? कितनी पीछे वाली गली का? कितनी उम्र होगी? 16-17 साल। तो अभी तक पता चला कुछ नहीं? पता की जगह का। किसके साथ आया था? जिस लड़के साथ आया था। नहीं, कोई कार्यक्रम में आया था? यात्रा में आया था, जिस दो शोभा यात्रा थी, ये नहीं पता किस शोभा यात्रा में था। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम लाल। कहाँ के रहने वाले? आने वाली। साथ में ही आए थे? साथ में आए थे, शोभा यात्रा के साथ में आए थे। अच्छा, देख रहे थे? देख रहे थे सामने ही। तो कैसे डूबा वो? इधर से भागते हुए नशे में। हाँ, उधर साइड से डूबा पीछे से। हाँ, एक बार इधर नशे में इधर करता रहा, फिर आगे तैरते हुए निकला, इधर साइड दिखा नहीं। बात में उसे किसी ने रोका नहीं? रोकने की बहुत कोशिश की, पानी बरसने लगा, तब उधर भागने भगदड़ मच गई, तब तक पानी की। अब डूब गया? हाँ। किस जगह की बात है? ये है काली नदी की बेवर। हाँ,